So hello guys, welcome back to my new video. So this is Himanshu Shishodia, third year undergraduate student from USICT. So यार जो आज की वीडियो होने वाली है, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे. सबसे पहले यार अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो सबसे पहले जाके चैनल सब्सक्राइब करो, ताकि यार सारी वीडियोस के मेरे आपको अपडेट मिलते रहें. और यार आपको कोई भी डाउट है तो यार आप मेरे से मेरी इंस्टाग्राम आईडी पे पर्सनली मुझसे कनेक्ट हो सकते हो. बाकी यार आज जो ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ यार, ये मैं बनाने जा रहा हूँ, आपको थंबनेल देख के पता ही चल गया होगा, HMR इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट के ऊपर ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ. दिस इज ऑल्सो द वन ऑफ द मोस्ट फेमस कॉलेज ऑफ IPU फॉर BTech. सो यार इस कॉलेज के बारे में हम सब चीज़ बात करेंगे, कॉलेज का ROI, प्लेसमेंट, फैसिलिटीज, कट ऑफ, सब चीज़ हम इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं. तो यार वीडियो पूरी लास्ट तक देखना. और जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाए हैं यार, जाके सबसे पहले यार रजिस्ट्रेशन कर लो यार. 16 तारीख का 16 इज द लास्ट डेट फॉर रजिस्ट्रेशन एंड काउंसलिंग. आफ्टर दैट यू विल नॉट बी एबल टू गेट पार्टिसिपेट इन द IPU काउंसलिंग एंड रजिस्ट्रेशन प्रोसेसेस एंड नॉट बी द पार्ट ऑफ द IPU सीट्स. सो यार सबसे पहले रजिस्ट्रेशन कर लो यार. चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो सबसे पहले जाके चैनल सब्सक्राइब करो. और यार आपको कोई भी डाउट आ रहे हैं यार, बिंदास हो गए नीचे कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हो. नहीं तो यार मुझसे पर्सनली मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे कनेक्ट हो सकते हो, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन आईडी में डाल दिया है. सो यार वीडियो पूरी लास्ट तक देखना, कुछ भी छूटने ना पाए. और यार कुछ भी डाउट हो बिंदास यार मेरे से इंस्टाग्राम पे कनेक्ट हो जाओ. लेकिन यार उसके लिए यार सबसे पहले यार आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दो यार. बहुत मेहनत करते हैं. सो यार इंस्टीट्यूट जो है वो है HMR इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट. इट इज़ वन ऑफ द IPU एफिलेटेड कॉलेज. सो यार इस वीडियो के अंदर हम पूरी इस कॉलेज के बारे में बात करने वाले हैं. तो यार वीडियो पूरी लास्ट तक देखना, और कोई भी डाउट हो तो यार आप बिंदास कमेंट सेक्शन में बता सकते हो. और नहीं तो यार आप मेरे से मेरी पर्सनल इंस्टाग्राम आईडी पे भी यार आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हो, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है. और वहाँ से मेरी आईडी पे मुझसे कनेक्ट हो सकते हो. बाकी यार आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो. कोई भी डाउट हो यार बिंदास कमेंट करो यार, एनी टाइम मैं आपके डाउट सॉल्व करने के लिए रेडी हूँ. ठीक है, तो यार ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं वीडियो. सो यार सबसे पहले हम कॉलेज का ओवरव्यू देख लेते हैं. यार कॉलेज का ओवरव्यू क्या है, तो यार सबसे पहले अगर हम इंस्टीट्यूट नेम देखें तो यार इंस्टीट्यूट का जो पूरा नाम है यार वो है HMR इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट. इसको यार HMR दिल्ली के नाम से भी जानते हैं. और जो यार ये इंस्टीट्यूट है यार, ये इंस्टीट्यूट जो है वो प्राइवेट इंस्टीट्यूट है, जो इस्टेब्लिश हुआ था 2002 के अंदर. सो यार इसकी लोकेशन देखें तो यार वो ये पड़ जाता आपका न्यू दिल्ली के अंदर. सो आगे बढ़ते हैं यार कनेक्टिविटी, इस कॉलेज की कनेक्टिविटी कैसी है. सो यार हर कॉलेज के बच्चा चाहेगा कि यार कॉलेज की कनेक्टिविटी अच्छी हो तो यार हम इजीली वहाँ पे पहुँच जाएँ. तो यार अगर हम HMR की कनेक्टिविटी देखें तो यार जो हमीदपुर क्रॉसिंग है वहाँ से जो इसका डिस्टेंस रह जाता है यार वो 754 मीटर्स दूर रह जाता है. मतलब 10 मिनट का वो का भी रास्ता है वहाँ से हमीदपुर क्रॉसिंग से. यार आप 10 मिनट में वहाँ पे कॉलेज पहुँच जाओगे. या हमीदपुर विलेज इज 914 मीटर्स अवे, मतलब 10 से 12 मिनट का जो है यहाँ पे वॉकिंग डिस्टेंस है अगर आपको HMR जाना है हमीदपुर क्रॉसिंग से. सो यार जो इसका नियरेस्ट जो पॉइंट है अगर आपको HMR पहुँचना है तो यार यू हैव टू रीच हमीदपुर क्रॉसिंग या हमीदपुर विलेज आपको उतरना पड़ेगा, तब जाके यार आप इजिली वहाँ पे क्या हो जाओगे, पहुँच जाओगे. सो ये थी यार इसकी कनेक्टिविटी. सो यार मोड ऑफ एडमिशन, तो यार IPU में आपको पता है मोड ऑफ एडमिशन हर कॉलेज का क्या है, सेम ही है. आपको 55% क्या करने पड़ेंगे, स्कोर करने पड़ेंगे अपने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के अंदर क्लास 12th के अंदर. अलोंग विद डैट जो भी कैंडिडेट है यार उसके पास इंग्लिश होना चाहिए, उसका सब्जेक्ट कंपलसरी है. और यार आप JEE मेंस के पेपर 1 में क्या हुए हो, अपियर हुए हो, तो यार आप क्या कर सकते हो इसके लिए इजीली अप्लाई कर सकते हो. यार पेपर 1 देना कंपलसरी है, क्योंकि जो पेपर 1 होता है यार वो BTech के लिए होता है और जो पेपर 2 होता है वो BArch के लिए होता है. तो यार आपको पेपर 1 देना कंपलसरी है अगर आप IPU के अंदर एडमिशन लेने के लिए सोच रहे हो. और इसके साथ साथ यार आपको IPU का क्या करवाना पड़ता है, रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है जो अभी भी ongoing है, जिसके लास्ट डेट है 16th of August. और अलॉन्ग विद डैट आपको रजिस्ट्रेशन के साथ साथ यार आपको काउंसलिंग का फॉर्म भी भरना पड़ता है, वो भी आपको भरना पड़ेगा. सो जिसके आपके अराउंड चार्जेस हैं रजिस्ट्रेशन के आपके 1200 रुपीज़ आपके चार्जेस हैं. एंड फॉर काउंसलिंग इट पेज यू हैव टू पे 1000 रुपीज़. सो जो टोटल समअप अमाउंट होगा वो आपका हो जाएगा 2200 रुपीज़ के आसपास फॉर रजिस्ट्रेशन एंड काउंसलिंग पार्टिसिपेशन फीस मिला के. सो यार अगर आपको IPU के अंदर आप एडमिशन लेने की सोच रहे हो तो यार आपको रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी है. बिना रजिस्ट्रेशन के यार आप IPU की काउंसलिंग के अंदर नहीं बैठ सकते.
सो यार ये रहा इसका मोड ऑफ एडमिशन का पूरा प्रोसेस कि हमें कैसे एडमिशन करना है, इस कॉलेज के अंदर कैसे एडमिशन होगा। सो यार आगे हम बात करते हैं अपना स्पेशलाइजेशन, इस कॉलेज के अंदर कौन कौन से स्पेशलाइजेशन हैं, कौन कौन से कोर्सेज ये कॉलेज क्या करता है, ऑफर करता है। तो यार व्हाट आर द कोर्सेज यू आर गोइंग टू स्टडी इन दिस कॉलेज इफ यू गेट द एडमिशन इन दिस कॉलेज। सो द स्पेशल वी आर स्पेशली टॉकिंग अबाउट हेयर अबाउट बी टेक। सो वी टॉक अबाउट द स्पेशलाइजेशन ऑफ बी टेक। सो यार जो बी टेक के यहाँ पे आपको फाइव कोर्सेज देखने को मिल जाते हैं। फर्स्ट इज इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, सेकेंड वन इज इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, थर्ड वन इज कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, फोर्थ वन इज मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड फिफ्थ वन इज IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। सो दिस आर द फाइव कोर मतलब फाइव स्पेशलाइजेशन कोर्सेज विच HMRI इज providing under BTEC courses. So this is the specialization. Now talk about the HMR Delhi seat matrix. So yaar HMR ki seat matrix kya hai, kya hamara admission ho payega is college ke andar, nahi ho payega? So yaar agar hum dekhte hain to yaar electrical engineering mein yaar inke paas jo seats hain wo hai yaar 180 seats. Kitni seats hain? 180 seats hain. Aur electronics and communication engineering mein bhi inke paas 180 seats hain. कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में भी इनके पास कितनी सीट्स हैं? 180 सीट्स हैं। एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग में इनके पास पड़ जाती है आपकी 120 सीट्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में इनके पास है 60 सीट्स। तो यार जो सीट्स है काफ़ी ज़्यादा, सीट का जो मैट्रिक्स है काफ़ी ज़्यादा अच्छा है इस कॉलेज में। एवरेज सीट मैट्रिक्स है लाइक अदर कॉलेज, जो प्राइवेट कॉलेज होते हैं बड़े बड़े जैसे चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी हो गया, अमिटी हो गया, शास्त्रा हो गया, ठीक है। तो यार इनके अंदर क्या होता है जो यार सीट मैट्रिक्स होता है ना काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाता है यार, बच्चों को प्लेसमेंट के टाइम में यार काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है प्लेसमेंट्स के अंदर बैठने के लिए, क्योंकि यार उस टाइम पे इनका कंपटीशन क्या हो जाता है काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाता है। अगर देखो यार भीड़ ज़्यादा होगी तो यार कट ऑफ ज़्यादा हाई जाएगी, कट ऑफ हाई जाएगी तो यार जो बच्चे लो कट ऑफ लेके आ रहे हैं जिनका मतलब कम मार्क्स आ रहे हैं तो यार वो प्लेसमेंट के लिए एलिजिबल नहीं हो पाते। सो यार थोड़ा यहाँ पे आपको जो प्राइवेट कॉलेज होते हैं यार जिनमें सीट मैट्रिक्स हाई होती है तो यार उसमें थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ जाती है आपको। सो यार HMR में सीट मैट्रिक्स इतना मतलब ज़्यादा हाई नहीं है तो यार आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, मतलब आपका प्लेसमेंट कॉम्पिटिशन आपको इतना देखने को नहीं मिलेगा एज लाइक अदर प्राइवेट कॉलेजेस। सो ये रहा यार इनका सीट मैट्रिक्स HMR दिल्ली का। सो यार अब आगे हम बात करते हैं प्लेसमेंट्स के बारे में। सो यार प्लेसमेंट्स कैसी है इस कॉलेज की? तो यार HMR का अगर हम हाईएस्ट पैकेज देखें तो यार आपको दिख रहा है जैसे स्क्रीन पे कि 12 लाख इनका क्या रहा है हाईएस्ट पैकेज रहा है, और जो एवरेज पैकेज है यार इनका हमेशा 3 to 4 लाख के बीच में ही रहता है यार, मतलब बहुत कम मतलब इनका एवरेज पैकेज है, मतलब फीस मतलब इतना अच्छा पैकेज नहीं है यार इस कॉलेज में, मेरे को इतना अच्छा पैकेज देखने को नहीं मिला इस कॉलेज का, ठीक है। सो यार प्लेसमेंट्स अगर हम देखते हैं तो यार स्टूडेंट बिकम एलिजिबल फॉर प्लेसमेंट इन द 7th सेमेस्टर, जो मोस्टली कॉलेज में होता है कि बच्चे 7th सेमेस्टर से ही क्या हो जाते हैं एलिजिबल हो जाते हैं प्लेसमेंट्स के लिए, जो मोस्टली यार इस कॉलेज के अंदर क्या होती है मास रिक्रूटमेंट होती है। जैसे कंपनीज कौन कौन सी आती हैं यहाँ पे, TCS हो गई, विप्रो हो गई, इन्फोसिस हो गई, ठीक है। तो यार ये क्या करती है यहाँ पे पूल ड्राइव करती है, मतलब यार जितने बच्चे लपेटे जाए उतने बच्चे क्या कर लेते हैं लपेट लेती है, तैर तैर के निकाल निकाल के ले जाती है, मतलब क्या करती है ये क्या करती है मास रिक्रूटमेंट करती है यहाँ पे ये कंपनीज आके। तो यार मास रिक्रूटमेंट करती है तो यार सब ज़्यादातर बच्चों को यही कंपनीज उठा के ले जाती है, TCS, विप्रो, इन्फोसिस। तो यहाँ पे होती है पूल ड्राइव, पहला पॉइंट ये। दूसरा पॉइंट, जो परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स गेटिंग प्लेस इज वेरी लो, जो यार स्टूडेंट प्लेस हो रहे हैं इस कॉलेज के अंदर बहुत कम बच्चे प्लेस हो रहे हैं। तो जिनका एवरेज पैकेज कितना लगता है 3 to 4 lakhs का इनका क्या लगता है एवरेज पैकेज लगता है, मतलब ज़्यादा अच्छा मतलब पैकेज नहीं है यार, जिस मतलब ROI आप यहाँ पे क्या कर रहे हो 5 lakh के आसपास या क्या कर रहे हो इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, 4.5 to 5 lakh की इन्वेस्टमेंट कर रहे हो इस कॉलेज के अंदर। सो यार आपको ROI इतना अच्छा देखने को नहीं मिलेगा, इस कॉलेज का ROI इतना अच्छा नहीं है, बाकी फैकल्टीज वगैरह ठीक ठाक है, मतलब एवरेज फैकल्टीज़ है, मतलब कॉलेज का एनवायरनमेंट भी एवरेज ही, मतलब इतना अच्छा एनवायरनमेंट नहीं है कॉलेज का इस पर बीटेक अगर हम देखते हैं तो। लेकिन यार अगर आपको CS चाहिए IT, CS और IT यार आप सोच के बैठे हो यार आपकी रैंक क्या आई है बहुत ज़्यादा कम आई है, तो यार इस कॉलेज के अंदर आपको इजिली एडमिशन मिल जाएगा। यार मेरे को याद है कि मेरा फ्रेंड था यार वो स्पोर्ट राउंड के अंदर बैठा हुआ था, मतलब एक स्टूडेंट था उसकी रैंक यार काफ़ी ज़्यादा मतलब 4.5 to 4 lakh के आसपास उसकी रैंक थी, और उसको स्पोर्ट राउंड के अंदर इस कॉलेज के अंदर यार उससे क्या मिल गई CSE मिल गई, मतलब यार वो बंदा इतना खुशी खुशी गया यहाँ दे दो मुझे मेरे को CSE चाहिए, वो बंदा CSE के लिए ही बैठा हुआ था और यार वो खुशी खुशी यार CSE मिल गई उसको HMR के अंदर। सो यार ये HMR के यार अगर आपकी कट ऑफ यार बहुत मतलब है कि आपकी कट ऑफ नहीं आई ज़्यादा अच्छी यार, और आपको सोच रहे हो कि यार आपको कोई कॉलेज चाहिए जिसके अंदर आपको CSE ही चाहिए, IT ही चाहिए, आपको और कोई लोअर ब्रांच नहीं चाहिए, तो यार HMR काफ़ी अच्छा कॉलेज है आपको यार
मिल जाएगा यहाँ पे एडमिशन। बाकी यार रही प्लेसमेंट्स की बात, यार अगर आपके पास स्किल्स होना यार आपको कोई नहीं रोक सकता कहीं भी, चाहे आप कितने बड़े से बड़े कॉलेज में हो, कितने छोटे से छोटे कॉलेज में हो, यार बस आपके पास स्किल्स होने चाहिए यार, आप इजिली आके अगर लोगे जॉब मिल जाएगी आपको कहीं। तो यार यहाँ पे जो एवरेज पैकेज लगता है वो हमने पहले ही बात कर ली कि 3 से 4 लाख के बीच में लगता है। सो जो एवरेज पैकेज इज 4 लाख विच इज़ वेरी लो। तो जो आरओई के हिसाब से जो यार एवरेज पैकेज है बहुत ज़्यादा कम है, मतलब आरओई इनका इतना अच्छा नहीं है। हाईएस्ट जो पैकेज जो इनको ऑफर हुआ है वो 12 LPA हुआ है, और जो एवरेज पैकेज है यहाँ पे मैंने बता दिया आपको 3 LPA हुआ है। परसेंटेज ऑफ प्लेसमेंट्स या कितने स्टूडेंट्स इस कॉलेज के अंदर प्लेस हो जाते हैं यार, ये भी काफ़ी ज़्यादा मैटर रखता है। तो यार हमने देखा इस कॉलेज के अंदर क्या होती है, पूल ड्राइव होती है, मतलब कंपनीज आती है बच्चों को उठाती है और ले जाती है। सो यार इस कॉलेज के अंदर पूल ड्राइव होती है, तो यार मोस्टली जो बच्चे यार टेक के अंदर ही यार ज़्यादा प्लेसमेंट्स होती हैं बच्चों की। तो जो CSIT की जो प्लेसमेंट है यार, CSIT में यार 90% बच्चे क्या हो जाते हैं, प्लेस हो जाते हैं इजिली। अगर हम ECE के देखें तो यार ECE में होते हैं 70% स्टूडेंट्स यार यहाँ पे प्लेस हो जाते हैं इजिली। और यार सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, यार उनमें यार बच्चों की जो प्लेसमेंट होती है यार बहुत ज़्यादा निल होती है, मतलब नेग्लिजिबल प्लेसमेंट होती है। मतलब अगर आपको मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मिल रही है तो यार मेरा पर्सनल ओपिनियन रहेगा कि यार आप वो चूज़ मत करिएगा। अगर आपका यार फर्दर स्टडीज़ का ओपिनियन है, मतलब आप फर्दर स्टडीज़ कंटिन्यू करना चाहते हो, मतलब आगे फर्दर स्टडीज़ करना चाह रहे हो, तो यार आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की तरफ जा सकते हो यार। बाकी नहीं तो यार मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल की तरफ आप ना ही जाओ तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि यार प्लेसमेंट भी ज़्यादा अच्छी नहीं है। तो इसका मतलब यार यहाँ पे फैकल्टीज़ भी इतना ज़्यादा मतलब बच्चों पे ध्यान नहीं देती होगी, मेरे को तो लग रहा है यहाँ पे मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल के बच्चे भी ज़्यादा नहीं होंगे। CSIT में यार बच्चे इसलिए आ जाते हैं इस कॉलेज के अंदर, क्योंकि यार इस कॉलेज के अंदर आपका कम रैंक के अंदर क्या हो जाता है, एडमिशन हो जाता है, इसलिए आपको CSIT मिल जाती है। लेकिन यार आपको थोड़ा मतलब हार्ड वर्क इस कॉलेज के अंदर बहुत करना पड़ेगा अगर आपको प्लेसमेंट्स चाहिए अच्छी, तो क्योंकि यार कॉलेज इतना ज़्यादा मतलब अच्छा नहीं है, मतलब ठीक ठाक ही है मतलब, और आरओई यार इतना अच्छा नहीं है इस कॉलेज का। तो यार यू हैव टू डू अ लिटल मोर हार्ड वर्क टू गेट प्लेसमेंट्स फ्रॉम दिस कॉलेज। सो दिस इज ऑल अबाउट द प्लेसमेंट ऑफ दैट कॉलेज। सो यार अब हम फी स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं कि कॉलेज का फी स्ट्रक्चर कैसा है। सो यार अगर आप ट्यूशन, जो आपकी ट्यूशन फी है यहाँ पे 97,800 आपकी ट्यूशन फी है, यूनिवर्सिटी साल जो है आपका यार 12,000 रुपीज़ है, सिक्योरिटी डिपॉजिट जो 5,000 है, एंड एक्टिविटी फीस जो है 1,000। सो आपको यार जो सम अप आप क्या कर रहे हो एक साल में जो पे कर रहे हो इस कॉलेज में, वो कर रहे हो 1,15,800 रुपीज़ यार आप क्या कर रहे हो यहाँ पे कर रहे हो साल का। सो आपका टोटल यार अराउंड आपका कितना हो जाएगा, 4,60,000 रुपये के आसपास आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे खर्च हो जाएगा। और यार आपका यहाँ पे एवरेज पैकेज यार 3 से 4 लाख का लग रहा है, मतलब यार जितनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो उतनी तो रिटर्न ही नहीं हो पा रही। तो यार आरओई यार इतना अच्छा नहीं है इस कॉलेज का। सो यार फीस एज पर प्राइवेट कॉलेज या फीस यार यहाँ की एप्लीकेबल है, फीस ज़्यादा हाई नहीं है। फीस जैसे आप बड़े बड़े आप और भी प्राइवेट कॉलेज के अंदर देखोगे तो जो उनका जो फीस मैट्रिक्स होता है काफ़ी ज़्यादा हाई होता है यार, MET का देख लो, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का देख लो, तो यार काफ़ी वेलोर VIT का देख लो, तो यार काफ़ी ज़्यादा फीस मैट्रिक्स है उनका क्या होता है हाई होता है, और यहाँ पे वहाँ पे क्राउड भी काफ़ी ज़्यादा होता है। तो इस कॉलेज की जो फीस है वो भी यार एप्लीकेबल है, इतनी ज़्यादा फीस नहीं है और यहाँ पे क्राउड भी ज़्यादा नहीं है, और आपकी कम रैंक है तो यार आपकी इजली यहाँ पे क्या हो जाएगा एडमिशन मिल जाएगा। सो यार ये था इनका फीस स्ट्रक्चर। सो यार अब हम बात कर लेते हैं कट ऑफ के बारे में। यार सर आप बोलोगे भैया आप तो यार बता दिया कि कम कट ऑफ पे एडमिशन होगा, तो यार कट ऑफ क्या रहेगी अगर हमें एडमिशन लेना है तो यार, तो यार ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हो यार, अगर आपके कोई भी डाउट है ना यार आप नीचे कमेंट सेक्शन में यार बिंदास होके यार अपने कमेंट डाउट्स लिख सकते हैं, नहीं तो यार मुझसे पर्सनली मेरे इंस्टाग्राम ID पे कनेक्ट हो सकते हैं। और यार अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं कराना यार तो यार सबसे पहले जाके चैनल सब्सक्राइब करो, क्योंकि यार अभी मैं लेके आने वाला हूँ कुछ दिनों के अंदर, मतलब कल या परसों में यार मेरी वीडियो आ जाएगी एक और, जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि यार आपको चॉइस फिलिंग कैसे करनी है। यार काफ़ी स्टूडेंट्स के कमेंट आ रहे हैं यार भैया कि हमें चॉइस फिलिंग कैसे करनी है, चॉइस फिलिंग हम कैसे करें, तो यार घबराने की बात नहीं है, मैं कल या परसों में मेरी वो वीडियो आ जाएगी चॉइस फिलिंग आपको कैसे करनी है, कैसे आपको सिलेक्शन करना है, ठीक है। और जिस दिन चॉइस फिलिंग स्टार्ट होगी यार उस दिन भी मैं वीडियो लेके आ रहा हूँ यार, और आपके लिए यार एक सबसे बड़ा सरप्राइज होने वाला है। सो यार जो सबसे ज़्यादा कमेंट करेगा ना यार उसके लिए मतलब जो मैं कुछ पाँच मतलब तो कुछ बच्चों की मैं सेल्फ काउंसलिंग करवाऊँगा अपने आप, ठीक है। सो आप यार बिंदास सबसे पहले यार मेरा जो चैनल सब्सक्राइब करो,
और यार आपके जो भी डाउट्स हैं नीचे आप कमेंट सेक्शन में बिंदास लिखो, एंड आई विल रिवील द नेम ऑफ दैट स्टूडेंट जिनकी मैं काउंसलिंग पर्सनली कनेक्ट करवाऊंगा। तो अभी हम कट ऑफ देख लेते हैं, ज़रा टाइम वेस्ट ना करते हैं, ठीक है। सो यार HMR की बीटेक की जो कट ऑफ है, अगर हम ब्रांच CS की देखते हैं यार, जो इनकी मिनिमम रैंक जा रही है ना, अगर आपकी 1,20,990 रैंक है, मतलब यार 13,000 के, मतलब 12,000 से हम मान लेते हैं, अगर 12,000 आपकी मिनिमम रैंक है और मैक्सिमम रैंक आपकी जा रही है कितनी, 1,71,429, मतलब यार आपका 2 लाख के बीच बीच में अगर आपकी रैंक है, तो यार इस कॉलेज के अंदर आपके काफ़ी ज़्यादा चांस हो जाते हैं कि आपको यार यहाँ पे CS मिल जाए, ठीक है। यार अगर आपको CS ही चाहिए तो यार काफ़ी ज़्यादा, मतलब ठीक है कॉलेज, यार आपकी रैंक कम आई हो, यार आप CS की तरफ ही जाना चाहते हो, आपको कोई और ब्रांच सूझ ही नहीं रही, यार हमें नहीं लेना दूसरी ब्रांच के अंदर एडमिशन, दूसरे कॉलेज के अंदर हमें एडमिशन लेना ही नहीं है, हमें CS ही चाहिए, तो यार कॉलेज काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, आपको कम रैंक में एडमिशन मिल जाएगा या CS मिल जाएगी आपको। अगर आप IT के अंदर एडमिशन लेना चाहते हो, तो IT की रैंक जो कट ऑफ जा रही है 1,33,944, मतलब 1,30,000 के आसपास अगर, और यार यहाँ पे देखो 2 लाख चलेगी यार इनकी मैक्सिमम रैंक है, मतलब 2 लाख तक आपकी रैंक जा रही है, तो यार आपको यहाँ पे IT मिल जाएगी। एंड अगर आप सोच रहे हो कि यार हमें CS IT ही लेनी है, सो यार कट ऑफ इनकी बहुत ज़्यादा कम जा रही है और यार आपको इजिली एडमिशन मिल जाएगा इसके अंदर, ठीक है। सो EC की अगर हम कट ऑफ देखते हैं, तो EC की जा रही है 1,91,473, और यार इनकी यार जो मैक्सिमम रैंक है 4 लाख पहुंच गई यार EC की, 4 लाख, मतलब आपका 4 लाख, 4.5 लाख अगर आपकी रैंक आ रही है ना, सो यार आपका यहाँ पे EC के अंदर एडमिशन हो जाएगा। सो यार ये तो जनरल कैटेगरी की रैंक थी, सो यार आप इस रैंक लिस्ट से यार आप अंदाजा लगा सकते हो यार कि जो कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स होंगे यार उनको कितनी परसेंटेज चाहिए होगी। यार अगर आपके यार मतलब 2 लाख के आसपास यार आपका IT का आंकड़ा, मतलब जो रैंक है वो टच कर रही है, 2 लाख पूरी टच कर चुकी है, तो मतलब सोचो ये जनरल की है, तो यार SC ST की जो OBC EW सालों की जो कट ऑफ है यार वो कितनी जा रही होगी। सो यार कम कट ऑफ है, और यार आपका जो मन नहीं कर रहा है यार हमें दूसरी कॉलेज में एडमिशन लेना ही नहीं है, हमें तो CS IT ही चाहिए, तो यार आप इस बिंदास होके यार इस कॉलेज को चूज कर सकते हो। सो यार डेट इज ऑल अबाउट HMR, ठीक है। सो यार अगर आपके कोई भी डाउट है, यार आपको कोई भी क्वायरीज है, तो यार आप बिंदास नीचे कमेंट सेक्शन में आप अपने कमेंट लिख सकते हो, बाकी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपनी ID अटैच कर दी है, आप वहाँ से मेरी ID से मेरे से पर्सनली कनेक्ट हो सकते हो मेरे इंस्टाग्राम पेज पे। एंड बाकी यार आपको गिव अवे तो पता ही है यार, मैं 5 मतलब कुछ स्टूडेंट्स को मैं पर्सनली काउंसलिंग उनकी करवाऊंगा, उनकी हेल्प करूंगा चॉइस फिलिंग के अंदर, काउंसलिंग में करवाऊंगा, मतलब नहीं मैं चॉइस फिलिंग में उनकी हेल्प करूंगा, उनको प्रॉपर गाइड करूंगा अच्छे से कि उन्हें कैसे क्या करना है। सो यार डोंट मिस दैट चांस टू ग्रैब एंड ग्रैब द अपॉर्चुनिटी एज सून एज यू कैन। सो यार सबसे पहले जाके यार इसके लिए आपको क्या करना होगा, यार इसके लिए आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना होगा, एंड द लकी विनर्स आर टू बी अनाउंस सून, ठीक है। और यार मैं जल्दी आपके लिए एक वीडियो लेके आने वाला हूँ कि कैसे चॉइस फिलिंग करनी है आपको, सो वेट मत करिएगा, सबसे पहले जाके चैनल सब्सक्राइब करिए, ठीक है। और कोई भी कमेंट है या कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सो यार डेट इज ऑल अबाउट HMR।